शहर के राजद सांसद ब्लू मंडल ने प्रेस वार्ता में कहा कि 3 नवंबर को अति पिछड़ा का राज्य स्तरीय सम्मेलन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा। वहीं उन्होंने कहा के भाइयों को बुलाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि 3 नवंबर को, 3 अक्टूबर, 3 नवंबर को, 3 नवंबर 2018 को अति पिछड़ा का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा, जिसके उद्घाटनकर्ता आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी होंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का अति पिछड़ा सम्मेलन बुलाने का, चूँकि आप जब इतिहास के पन्ने को उल्टा के देखेंगे तो 90 के बाद ही, असल में जब से लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए उसके बाद ही अति पिछड़ा को भी सत्ता में भागीदारी मिलने का काम किया। असल जागरूकता, ये सब आदमी मानता है, ये मैं नहीं कहता, ये कुल आदमी मानता है कि जो गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अकलियत अति पिछड़ा समाज है उसको लालू प्रसाद यादव ने ही मुँह में बोली देने का काम किया है। और एकदम गांव सुदूर गांव देहात इलाके में एमपी एमएलए पैदा करने का काम किया, चाहे आप ब्रह्मदेव मंडल जी का नाम लें, महेश मंडल जी का नाम लें, अनेक तरह का, इधर वो चंद्रवंशी जी थे, बहुत सारे रविंदर तौती जी थे, और सब अन्य तरह का उदाहरण लेंगे तो जो समाज के अति पिछड़ा तबका का लोग था 90 के बाद उसमें एक जागृति आई। सत्ता के नज़दीक और सत्ता का भूख लालू प्रसाद यादव जी ने उसे दिखाने का काम किया और उस सत्ता का हिस्सेदारी भी उसको देने का काम किया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अति पिछड़ों को एक ठगने का वातावरण शुरू हुआ और लगातार आज तक लालू जी के सत्ता जाने के बाद, आज तक चाहे 2014 ईस्वी को आप उल्टा के देखें, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने को अति पिछड़ा बताकर पूरे हिंदुस्तान के अति पिछड़ों को ठगने का काम। 2004 के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को सिर्फ ठगने का काम किया। 1990 में लालू जी ने उन्हें जुबान दिया, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दी, अपने अधिकार के लिए अति पिछड़ा समाज आंदोलन करने को विवश है। SPNI न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।